प्रेरणा है भाई, गद्दी की विशेषता है। इसमें कोई दबाव नहीं है कि बागेश्वर ही सब कुछ है। तो भैया अगर जिसको विश्वास हो वही जाए, जिसको नहीं हो मत जाए, कोई बुला तो रहे नहीं वो किसी को। हम बागेश्वर धाम स्वयं गए थे, उनके गए थे, वहाँ का हमें चमत्कार देखा। उन्हीं की सिद्धि है, वो उन्हीं की गद्दी पे बैठे, हनुमान जी की गद्दी पे बैठे, वो वहीं पे। जहाँ से जिसको शांति मिलती है व्यक्ति मानने लगता है, और गद्दी हर कोई लगा भी नहीं सकता, ये भी जानते हो। बागेश्वर धाम सरकार के बारे में क्या राय है आपकी? भाई बागेश्वर धाम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म से जोड़ रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं। और भाई हमारा सीधा सा कहना है, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा है वैसा है ये है ऐसा कुछ, तो भैया अगर जिसको विश्वास हो वही जाए, जिसको नहीं हो मत जाए, कोई बुला तो रहे नहीं वो किसी को, या वो कोई फीस तो लेते नहीं है। उनका सिस्टम है सीधा सा, अपना नारियल बांधिए जो उनका सिस्टम, अपना करिए, प्रक्रियाएं होती हर चीज की। और भाई ये मेरा सीधा सा कहना है, अगर व्यक्ति सही हो रहा है तभी तो जा रहा है भैया, नहीं क्यों जा रहा है, क्या लेना देना किसी का, और लाभ है तभी जा रहा है, हानि होगी तो क्यों नहीं जाए, क्यों जाएगा आदमी, आप ये बताइए। तो वैसे देखा जाए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संत महात्मा बाबाओं तो बहुत से देखे हैं, आखिर इतनी आस्था बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर ही क्यों? भाई देखिए उनका सीधा सा कहना है कि वो सिर्फ हनुमान जी के ऊपर रखते हैं, वो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जो भी कर रहे हैं हमारे हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज में फिर काहे की शंका भाई, कोई शंका ही नहीं है, वो तो अमर हैं और उनके जैसा हनुमान जी महाराज तो बहुत सच्चे हैं और वो सबका कल्याण करते हैं, उसी के हिसाब से भाई उनकी उन्हीं की सिद्धि है, वो उन्हीं की गद्दी पे बैठे हैं, हनुमान जी की गद्दी पे बैठे हुए हैं, वहीं पे उनका नाम लेके वो काम करते हैं तो लोगों का काम हो जाता है। कई लोग कहते हैं वो फेस रीडर है, लोगों का चेहरा पढ़ते हैं, चेहरा पढ़ के बताते हैं उनके भविष्य के बारे में। रीडर है तो जो बोलते हैं रीडर है तो वो हम कह रहे हैं कि अपने साथ वाले का ही बता दें, वो जो उनके साथ उठता बैठता है। भैया कहने से कुछ नहीं होता, लाखों लोग जुड़े हैं, आस्था है, ऐसे थोड़ी है वो हर पत्रकार से उनकी बात हुई, अगर गलत होते तो कोई पत्रकार के सामने बैठ के जवाब नहीं दे सकता है, वो हर व्यक्ति का जवाब देते हैं, अगर वो माइनस होते तो कहीं ना कहीं फिर आप समझ सकते हो ना, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज का नाम लेके वो करते हैं, वो कोई अपने लिए कुछ नहीं कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, वो सीधा कहते हैं जो भी हो रहा सब हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। प्रेरणा है भाई, गद्दी की विशेषता है, गद्दी में जो जाता है जो उनको आभास होता है वो बता देते हैं, बस सीधी सी बात है, उसमें कोई कुछ नहीं है, सच्चाई है तो है देखिए। और जिसको हमारा मेरी सीधा से कहना है, उंगली उठाने से अच्छा जिसको अच्छा लगता हो जाए, जिसको अच्छा ना लगता हो मत जाए, कोई बुला नहीं रहे हैं वो किसी को कि आप मेरे पास आइए, और वो कोई पैसा भी नहीं ले रहे हैं, सीधी सी बात है, धर्म से जोड़ने वाला काम है। जैसे कई जगह तो अर्जी लगाने की दुनिया भर की चीजों के लिए पैसे लिए जाते हैं, ऐसा कोई वहां पर कोई पैसा नहीं लगता, काहे का पैसा लगता है आप बताइए, कोई अर्जी का पैसा नहीं है, उल्टा पैसा वो मांगते हैं। और बाकी देखिए मंदिर है, प्रांगण है, अगर कोई दान करेगा तो वो पैसा खर्चे भी तो होते हैं भैया, वो विवाह कराते हैं, भंडारे चलते हैं, खर्चे भी तो होते हैं, कहाँ से खर्चा भी तो होता है ना, ये विवाह कराते हैं, भंडारे कराते हैं, क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री अपने बजट से कराते हैं? भाई अपने बजट से कौन कराता है, तो फिर भाई धर्म से लोग जुड़े हैं, जो आता है उसी का होता है, वो कोई अपने पास थोड़ी रख लेते हैं वो पैसा, खर्चा ही तो करते हैं वो भाई, भंडारा चल रहा है प्रतिदिन, और भी व्यवस्थाएं होती है मंदिर में, खर्चे होते हैं, और भी लोग होते हैं, देना पड़ता है, तो ये है कि जो आता है वो खर्चा भी करते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, और कोई पैसा नहीं है उनका, ना ही कोई टोकन है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जिसकी भावना जुड़े वो जाए, जिसकी ना जुड़े वो मत जाए, सीधा सा कहना भाई हमारा, तो सीधा यही कहना रहता है, अच्छा लगे तो जाइए, ना लगे तो मत जाइए, वो किसी को बुला नहीं रहे, सीधी सी बात है, धार्मिक है, अच्छा काम कर रहे हैं, वो स्वयं कहते हैं कि मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, मैं हनुमान जी महाराज का नाम लेता हूँ, मेरा सारा काम होता है सामने वाले का, सीधी सी आभास होता है वो बता देते हैं, बस और क्या है, और गद्दी हर कोई लगा भी नहीं सकता, आप ये भी जानते हो भाई, उनके अंदर कोई सिद्धियां हैं तभी तो इतनी बड़ी गद्दियां लगा रहे हैं, पूरे कहां तक विदेशों तक हो जाए, एक आदमी कह दे हजारों लोगों ने उनसे पूछा और सबका प्रश्न सही निकला, तो सबकी रीडिंग कर लेंगे क्या भैया, आदमी अपने बगल वाले की रीडिंग करके ही बता दे करके, हम अपने दोस्त के बच्चे का ही नाम बता दें, भैया ये सब होता है, सनातन धर्म में बड़ी शक्ति है, उन्होंने ईश्वर का नाम लिया, सिद्धि प्राप्त है और सच्चाई है उनके अंदर, मेरे हिसाब से जो मैंने देखा। बागेश्वर सरकार धाम के बारे में आपका क्या राय है? बागेश्वर धाम सरकार के बारे में हमारी राय बहुत बढ़िया है भाई, हम बागेश्वर धाम स्वयं गए थे, उनके गए थे, वहाँ का हमने चमत्कार भी देखा, बाबा के दर्शन भी किए। किस प्रकार का चमत्कार देखा? जैसे चमत्कार क्या, हमारे बहुत दिक्कतें थी, परेशानी थी, टेंशन भी थी, जो सब दूर हो गई, बिजनेस बिजनेस बढ़िया चलने लगा, हमारा गाड़ी का काम कर दो काफ़ी बढ़िया भी चल रहा है, और हमारे घर में थोड़ी समस्याएं भी आई तो वो सब दूर हुई, बाबा बाकी हमने काफ़ी जगह गए, बागेश्वर बालाजी महाराज के वहाँ दरबार गए, महाराज जी से मिले, वहाँ से हमें काफ़ी चीज़ अच्छी ही बढ़िया, मतलब हमारा जीवन सुधर गया,
जो भी हमारी समस्याएं थी, जो भी हमारे कलेश थे जीवन में सब कुछ, और वहाँ महाराज जी का मतलब स्वभाव देख के, उनका त्याग देख के और वहाँ के लोगों के लिए उनकी सद्भावना देख के बहुत अच्छा लगा। और बागेश्वर धाम सरकार बढ़िया है, हम उनको भैया दर्शन करने के लिए सबसे कहेंगे, कृपया जाइए दर्शन करिए बाबा के, और जो इच्छा होता है वो अपना समर्थन करिए। बागेश्वर धाम हम हिंदुओं के लिए एक बहुत महान धाम है, जहाँ पर जन सामान्य की समस्याओं को दूर किया जाता है। कई जगह से भटके हुए लोग वहाँ पहुँच करके अपने मन में शांति पाते हैं, कुछ लोग स्वास्थ्य लाभ करते हैं और अनेकानेक समस्याओं को वहाँ पर जो है छोड़ करके और उनके जीवन में खुशहाली समृद्धशाली और एक बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करने की ओर वो अग्रसित होते हैं। बाबा तो बहुत सारे हैं, इन्हीं बाबा पे इतनी आस्था क्यों है? अब मामला ये होता है कि जिस व्यक्ति की श्रद्धा, जिसके प्रति, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म सनातन है और हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, कोई शिव को मानता है, कोई माँ जगदम्बा को मानता है, कोई बाबा हनुमान जी को मानता है, है? तो अपने अपने इष्ट, अपने अपने आराध्य, जहाँ से जिसको शांति मिलती है व्यक्ति उन्हीं को मानने लगता है। और जन सामान्य को जो बागेश्वर धाम है, इस समय वहाँ पर जाकर के जिसको शांति मिलती है, जिसकी समस्याएं दूर होगी, स्वाभाविक है व्यक्ति उसी दरबार में अपना मत्था टेकने लगता है, उन्हीं को अपना आराध्य इष्ट मानता है ना? तो इसमें कोई दबाव नहीं है कि बागेश्वर ही सब कुछ है, लेकिन जन सामान्य की आस्था जहाँ से जुड़ जाती है, उसे लगता है कि यहाँ आने पर हमें और हमारे जीवन में है शांति स्थापित हो सकती है, तो व्यक्ति बन जाता है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी को हमारा सादर नमस्कार है, और बाबा जी के बारे में जितना ही बोले उतना ही कम है। बाबा जी जो भी बोलते हैं सत्य की तरफ बोलते हैं। क्या सत्य बोलते हैं? सनातन धर्म के बारे में, हिंदू राष्ट्र के बारे में, हम लोग को हिंदू राष्ट्र बनाना है। काफी अच्छा मंदिर, काफी अद्भुत मंदिर है, वहाँ काफी अच्छे अच्छे पंडित हैं। जैसे ये कौन पंडित? उनके बारे में क्या राय है? काफी अच्छे हैं, अगर किसी के बारे में अगर वो बताते हैं तो सच होता है, और किसी की भविष्यवाणी उससे पहले कर देते हैं। भविष्यवाणी पहले ही कर देते हैं कहीं बहुत से लोग तो कहते हैं वो फेस रीडर है, चेहरा देख के बता देते हैं। ऐसा नहीं, वो तो बहुत लोग कर लेते हैं। तो मतलब आपके बारे में उनके क्या आस्था है? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।